आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी जी की एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी के बारे में, जिसका नाम है द लास्ट लीफ। पर्सनली ये शॉर्ट स्टोरी मेरी भी फेवरेट है। ओ हेनरी जी ने 1907 में इसे लिखा था और पब्लिश भी 1907 में ही किया था। ओ हेनरी जी की द ट्रेम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज में इस स्टोरी की थीम है हेल्थ, फ्रेंडशिप और सैक्रिफाइस। इन तीनों को एक साथ बहुत ही खूबसूरती से हमारे राइटर ने इस शॉर्ट स्टोरी में डिस्क्राइब किया है। दोस्तों, इसका पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन है। ओ हेनरी ये एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है, जिनका जन्म हुआ था 11th of September 1862 में और उनकी डेथ हुई थी 5th of June 1910 में। दोस्तों, उनका रियल नेम विलियम सिडनी पॉटर है, जिनके फेमस वर्क है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द रैंसम ऑफ रेड चीफ एंड द लास्ट वन इज द रॉटरिव्ड रिफॉर्मेशन। इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी के एक ग्रीनविच नाम के विलेज से। ये एक बोहेमियन नेबरहुड का इलाका है। 28th century का टाइम शुरू है। यहाँ का बहुत ही पेचीदा माहौल है, मतलब घूमती हुई सी गलियां है जिसमें आदमी घूमता रह जाएगा। मगर आर्टिस्ट लोगों के लिए ये जगह काफी ठीक है। मगर आर्टिस्ट भी कौन से, टेक्स्ट आर्टिस्ट नहीं, वो अपने टेक्स्ट यहाँ पर इकट्ठे करने के लिए नहीं आ सकते। बहुत ही पेचीदा सा माहौल है। उस वजह से जो भी आर्टिस्ट होते हैं, यानी कि जो भी पेंटर होते हैं, उन लोगों के लिए जगह बहुत ही ज्यादा ठीक है, अच्छी है और ज्यादातर यहाँ पर गरीब आर्टिस्ट सर्वाइव कर सकते हैं। कोई भी इस गांव में से टैक्स इकट्ठा करवाने के लिए नहीं आता। उस वजह से जो भी पेंटर अपनी अपनी पेंटिंग से कमाते थे, वो उनका अपना अपना रहता। तो उस वजह से गरीब आर्टिस्ट के लिए रहने के लिए ये जगह बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, इस कहानी में दो लड़कियां हैं, सू और जॉन्सी। ये दोनों भी आर्टिस्ट है जो कि पेंटिंग बनाती है। इन दोनों की मुलाकात एक दिन एक रेस्टोरेंट में हो जाती है। अब जबकि दोनों के भी एम्बिशंस एक थे, तो दोनों ने ठान लिया कि वो अब एक साथ रहेंगे। इसमें से जो जॉन्सी थी, उसका सपना था कि वो बी ऑफ निपल्स की पेंटिंग बनाएगी। दोनों भी गरीब थी, पेंटिंग बेच बेच कर उनका गुजारा हो पाता था। तो एक टॉप ऑफ रेनडाउन की एक अपार्टमेंट में एक सस्ते से रूम में वो एक अपना छोटा सा स्टूडियो बनाकर एक साथ काम किया करती थी और ऐसे चलते उन्हें फ्रेंडशिप भी बढ़ी। अब उनका काम अच्छे से चल ही रहा था कि कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सर्दियों का मौसम आया और इस छोटे से टाउन में तेजी से एक बीमारी फैलने लगी और वो बीमारी थी निमोनिया की। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है दोस्तों, कि ये मरने की हालत तक आदमी को बीमार कर देती है। टाउन के सभी लोग धीरे धीरे इस बीमारी के चपेट में आ रहे थे, तो इसमें से ये जॉन्सी भी बीमार हो जाती है। अब सू जॉन्सी को डॉक्टर के पास ले जाती है और जब उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर अपने कैबिन में चला जाता है, तो डॉक्टर जॉन्सी के बजाय सू को अपने कैबिन में बुलाकर बताता है कि जॉन्सी को निमोनिया हो गया है और अब उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि 10% ही चांसेस है कि वो बच पाएगी। अब मरने की हालत तक जॉन्सी पहुंच चुकी थी, तो उसके पास बहुत कम टाइम बचा था, ऐसा डॉक्टर कह रहे थे। लेकिन अब डॉक्टर आगे ये कहते हैं कि ये जिंदा भी रह पाएगी अगर इस पर मेरी दी हुई गोलियों का असर होगा। इस पर सू डॉक्टर से कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि जॉन्सी किसी डिप्रेशन में है और वो डिप्रेशन इतना बड़ा है कि वो उसकी बीमारी से उभर नहीं पा रही है। और तुम्हें तो पता है कि डिप्रेशन कितना खतरनाक होता है, किसी खतरनाक बीमारी से भी ज्यादा। अब डॉक्टर इस वजह से इसकी परेशानी के कारण पूछने लगते हैं कि क्या इसकी लाइफ में कोई लड़का है जिस वजह से शायद ही ये डिप्रेशन में हो। तो इस बार सू डॉक्टर से कॉन्फिडेंटली कहती है कि नहीं, कि उसे इतना तो पक्का पता है कि उसकी जिंदगी में कोई लड़का नहीं था। तो डॉक्टर बोलता है तो अब क्या करें, देखो दुआ करो। इतना ही कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। अब बेचारी सू भी क्या करे, सू जाती है अपनी बीमार फ्रेंड के पास, जॉन्सी के पास, और उसके पास जाकर बैठती है और अपने मैगजीन का एक इलस्ट्रेशन बनाती है। अपना पेंटिंग का वो काम करना फिर से शुरू कर देती है उसके पास बैठकर। तभी वो जॉन्सी की तरफ एक बार देखती है जो कि खिड़की के बाहर देख रही थी। बाहर एक सूखा सा पेड़ था जिस पर चंद ही पत्ते बचे थे, तो सू ने देखा कि जॉन्सी उन बचे कुचे पत्तों की उल्टी गिनती कर रही है, 8, 7, 6 ऐसे करके। तो सू से रोकती हुई पूछती है कि जॉन्सी तुम ये क्या कर रही हो। वो उस सूखे पेड़ की तरफ देखकर उसे बोलती है कि मैं उस पेड़ से झड़ रही एक एक पत्तियों को गिन रही हूँ कि किस तरह से वो पेड़ खत्म हो रहा है। और पता है सू, जिस दिन उस पेड़ का आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा ना, उसी तरह से मैं भी मर जाऊंगी। उस पर सू जॉन्सी को बोलती है कि इतनी भी बेवकूफी वाली बातें मत करो, बल्कि डॉक्टर ने तो ये कहा है कि तुम्हारे रिकवरी के चांसेस 90% बढ़ चुके हैं और वो 90% श्योर है कि तुम बच जाओगी। ऐसी बेहुदा बातें मत करो। असल में सू यहाँ पर झूठ बोल रही है, बल्कि डॉक्टर ने तो उसे कहा था कि उसके बचने के सिर्फ 10% चांसेस है, लेकिन सिर्फ इसीलिए वो ऐसा कह रही थी ताकि वो अपने दोस्त की उम्मीद को बांध कर रखे। और अब सू जॉन्सी को बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरी मैगजीन का इलस्ट्रेशन मैं बेच कर आती हूँ और आते वक्त मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए खाना भी लाऊंगी।
सो हर तरह से कोशिश कर रही थी कि वो अपनी फ्रेंड को चीयर अप कर सके, लेकिन जॉन्सी का कुछ खास रिस्पांस नहीं है उसकी तरफ। जाते वक्त भी सू से जॉन्सी यही कहती है कि मैं उस लास्ट लीफ यानी कि उस आखिरी पत्ती की तरह अपनी पकड़ खो दूंगी, जिंदगी के पेड़ से और लहराती हुई इस लास्ट लीफ के साथ नीचे गिर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी। अब सू क्या करे? इनके नीचे वाले कमरे में एक अल्कोहलिक बूढ़ा आदमी रहता है जो भी एक आर्टिस्ट है, एक अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट है जिसका नाम है बैरमन। वो इस गांव में बहुत ही कम पैसे कमाकर अपनी जिंदगी का गुजारा करता है क्योंकि उसकी पेंटिंग्स ज्यादा महंगी नहीं बिकती। बताया था मैंने अनसक्सेसफुल एक पेंटर है, लेकिन इसका एक सपना है कि वो उसकी जिंदगी में एक मास्टरपीस बनाएगा। बहुत कोशिश की उसके लिए उसने, लेकिन खैर अब वो बूढ़ा हो चुका है। तो अब सू उसे अपनी दोस्त की यानी कि जॉन्सी की हालत के बारे में बता रही है कि किस तरह से वो पेड़ की पत्तियों के साथ साथ जीने की उम्मीद खो रही है और उसका मानना ये है कि इस पेड़ की आखिरी पत्ती के साथ साथ वो भी मर जाएगी। जॉन्सी का ये मानना सुनने के बाद तो बहरमन भी चौंक जाता है, भला ये क्या बात हुई भाई। खैर यहाँ से जाने के बाद सू अपनी पेंटिंग का काम करने लगती है और इस रात जब वो खिड़की बंद करने जाती है तो वो देखती है कि उस पेड़ पर कुछ ही पत्तियाँ बची हैं जो शायद ही इस रात गिर जाएगी। खिड़की को बंद करते समय जॉन्सी भी उस खिड़की के बाहर उस पेड़ पर उन पत्तियों को देखकर सो जाती है और जॉन्सी ये समझकर तो सो गई थी कि आज रात को वो बची कुछ ही पत्तियाँ भी गिर ही जाएंगी। अब रात हुई और इसी रात को एक खतरनाक तूफान आया। इस खतरनाक तूफान के आते अब जाहिर ही था कि वो बची कुछ पत्तियां भी इस तूफान की वजह से गिरने ही वाली थी। सुबह जॉन्सी उठते ही सबसे पहले वो सू को कहकर उन पर्दों को खुलवाती है। खिड़की खोलते समय अब सू के मन में भी हलचल मचने लगी थी कि क्या हुआ होगा। तूफान की वजह से गिरी हुई उन सारी पत्तियों को झड़ता हुआ देख कहीं ये जॉन्सी भी अपनी पकड़ ना खो दे। मगर जॉन्सी के बार बार कहने के बाद जब सू उस खिड़की को ओपन करती है तो उसने बाहर क्या देखा कि उस पेड़ की सारी पत्तियां अब झड़ चुकी है सिवाय एक अकेली पत्ती के। कि चलो ठीक है, जॉन्सी उस एक पत्ती को देख देख कर एक अच्छी उम्मीद तो रखेगी, मगर जॉन्सी अभी भी ये सोच रही थी कि वो आखिरी पत्ती आज रात तो गिर ही जाएगी। इस रात भी सोते वक्त जॉन्सी फिर से सू से कहती है कि अब आज रात को ये आखिरी पत्ती भी गिर जाएंगी और इसी के साथ मैं भी मर जाऊंगी। दिन ब दिन जॉन्सी का डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा था और एक रात गुजरी, तेज हवाएं चली, बारिश भी हुई, मगर मजाल है कोई भी चीज उस लास्ट लीफ आखिरी पत्ती को हिला भी सके। जॉन्सी ने सुबह उस पत्ती को देखा और वो उठकर बैठी। उसने सू से सूप मंगवाया और एक आईना भी, और साथ ही में जॉन्सी अपने बी ऑफ निपल्स की पेंटिंग का एम्बिशियस भी उसके सामने रखती है कि वो किस तरह से उसे स्केच करेगी। कहने का मतलब है कि अब उसकी हालत में सुधार आ रहा था। डॉक्टर भी आए, उसका फिर से चेकअप किया और इस बार डॉक्टर ने बहुत पॉजिटिव बात कही कि रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अब जॉन्सी बहुत ही जल्द ठीक हो पाएगी। साथ ही में डॉक्टर उन्हें एक बात बताते हैं, जो एक अल्कोहलिक ओल्ड मैन रहता था वो बीमार सा मिला था तो उसे भी ले गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में पता चला कि उसे निमोनिया हो गया है। बेचारा सर्वाइव नहीं कर सका, दूसरे ही दिन उसकी मौत हो गई, गुजर गया वो। चौकीदार को उसके रूम में वो बीमार सा मिला था, उसके कपड़ों पर पानी था और हरे और पीले रंग के धब्बे भी। उस पर से पहचाना गया कि उस दिन तूफान में वो बाहर गया था और साथ ही में उसके रूम में एक सीढ़ी भी मिली। दरअसल उस तूफानी रात में सीढ़ी से चढ़कर जॉन्सी के विंडो पर उस बैरमैन नाम के ओल्ड अल्कोहलिक आदमी ने एक पत्ती को पेंट किया और इतनी रियल इमेज बनाई कि कोई पहचान नहीं सकता कि वो पत्ती असली है या फिर एक पेंटिंग। तभी जॉन्सी को ताज्जुब होता है कि एक अकेली ही पत्ती कैसी बची जो कि हिलती तक नहीं, ना बारिश से ना तूफान से। वो पत्ती नहीं थी, पेंटिंग थी, या फिर ऐसा कहो कि ये पेंटिंग नहीं बल्कि एक उम्मीद थी जिसने जॉन्सी को जिंदा रखा। आखिरी में ये सू कहती है कि बैरमैन मरने से पहले अपने जिंदगी का मास्टरपीस बना के गया जिससे किसी की जान बच गई।